नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, पंचायत चुनाव कोरोना और बाढ़ के कारण टलता जा रहा था और टलता गया है, तो अभी क्या स्थिति है, चुनाव कब होंगे और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अफसरों का व्यवहार कैसा होता है, इस पर सीधा मंत्री ने संज्ञान लिया है। पंचायती राज मंत्री ने सीधा बयान दिया है और उन्होंने चेतावनी दिया है कि मुखिया हो या वार्ड सदस्य, दोनों ही एक सम्मानित प्रतिनिधि हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, और अधिकारी बाजाएं इनके साथ बात करने से पहले सोच समझ ले। और दूसरी बात यह भी इन्होंने कहा है कि समीक्षा की जा रही है कि कोरोना और बाढ़ के कारण चुनाव का शिफ्टिंग कैसे किया जा सके। तो क्या क्या कहा है सम्राट चौधरी ने, मंत्री जी ने, हम अभी हम आपको बताते हैं। और यह जो एक अररिया की घटना है, अररिया में मंत्री जी का दौरा था और अभी भी लेटेस्ट खबर मिली है, तो हम इस खबर पे नजर डालते हैं। खबर पर नजर डालने से पहले आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं खबरों में, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कोरोना और बाढ़ को लेकर चुनाव आयोग समीक्षा कर रही है और आयोग के पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव की तिथि का ऐलान किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति की बैठक में मंत्री जी ने भाग लिया है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने ज्येष्ठ व समृद्ध राज्य और राष्ट्र निर्माण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जैन धर्मशाला में त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के साथ बैठक आयोजित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने प्रतिनिधियों की ओर से मास्क की खरीदारी में घपला और अफसरों की मनमानी को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन अधिकारियों ने भी नियम के विपरीत जाकर ऐसा किया होगा उन सभी को जेल जाना होगा। मतलब मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि अगर मास्क की खरीदारी और वितरण में अगर अनियमितता की गई है, उसमें परामर्श समितियों को अंधेरे में रखा गया है, अधिकारी कुछ मनमानी किए हैं, तो ऐसे अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना और बाढ़ को लेकर चुनाव आयोग समीक्षा कर रही है, आयोग के पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव की तिथि का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग के मंत्री बनने के बाद से ही वे विभाग में सुधार को लेकर लगे हुए हैं और व्यवस्था में बदलाव के तहत ही बैंकिंग प्रणाली में बदलाव किया गया है। बैठक में मौजूद लोगों ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि मुखिया हो या वार्ड सदस्य, जनता के द्वारा चुने गए हर स्तर प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के अगर जो सम्मान नहीं करेगा उनकी शिकायत मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की जाएगी, और पंचायती राज के प्रतिनिधियों से भी कार्य के प्रति ईमानदारी बरतने की अपील की गई है। पंचायती राज व्यवस्था पर कहा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायती राज का सपना देखा था, पंचायत राज व्यवस्था भी गठित हुआ लेकिन स्वरूप पूरी तरह नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि ही लोकतंत्र का मालिक होता है, न कि कोई अफसर। वार्ड सदस्य जमीनी तौर पर काम करता है, इसलिए उनकी बातों को भी अफसरों को सुनना चाहिए। फारबिसगंज के विधायक जी भी इस बैठक में शामिल हुए थे, और उन्होंने लोगों ने कहा है कि पंचायती राज मंत्री कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने अनुभव और काम की क्षमता से पंचायतों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो ये अररिया जिले से ये खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। पंचायती राज मंत्री एक ने बैठक किया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों के साथ। तो दोस्तों, यह बात सही है कि एक वार्ड सदस्य भी उसी तरह चुन के आता है जैसे विधायक चुन के आते हैं, तो अधिकारियों को, वार्ड सदस्यों को भी सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। और चूंकि मंत्री ने कहा है कि हम अभी समीक्षा कर रहे हैं, चुनाव की तिथियों का ऐलान उस समीक्षा के बाद ही कर पाएंगे,
तो बहुत सारे दोस्तों से मेरा गुजारिश है, आप कमेंट में बार बार पूछते हैं कि चुनाव का डेट बताइए, चुनाव का डेट बताइए। जब मंत्री जी को ही नहीं पता है दोस्तों, तो मुझे क्या पता रहेगा कि चुनाव कब होगा। हालांकि जैसे ही भी कोई नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको खबर दे दूंगा। बिल्कुल यह ताजा अपडेट है जो मंत्री के जुबान से निकल कर आई है। तो दोस्तों, इसी तरह के खबरों के लिए हमसे बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।